हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी। तो आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ समर स्पेशल कटहल की सब्जी। तो आज मैं जो आपको इस कटहल की सब्जी बनाने की रेसिपी बता रही हूँ बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही आसान तरीके से बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यदि हमारी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो हमारी रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे लिया है कटहल, अगर मैं आपको ग्राम में बताऊं दोस्तों तो ये 700 ग्राम कटहल होंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज के आलू भी लिए हैं। तो पहले हमें क्या करना है, कटहल को और आलू को प्रेशर कुकर में उबाल लेना है। बस नमक और हल्दी डालकर 2 सीटी आने तक हमें इसे उबाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही उबाल के रख लिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी कढ़ाई या फिर कोई भी बर्तन ले लीजिए और उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने पे ही हम यहाँ पर जो बॉईल करके कटहल रखा था यहाँ पे डाल देंगे और इसे हमें हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है फ्राई करते हुए। साथ ही हम यहाँ पर जो आलू उबाल के रखा था उसे भी यहाँ पे डाल देंगे। आलू को काट के यहाँ पे डाल देंगे और इसे भी साथ में फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3 मिनट हो चुके हैं पूरे इसे फ्राई करते हुए। तो अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब उसी बर्तन में 2 बड़े चम्मच सरसों तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने पे हम यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और इसमें हम यहाँ पे 2 से 3 तेज पत्ता डाल देंगे और साथ ही यहाँ पे 2 सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। कुछ सेकेंड इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो कुछ सेकंड के बाद हम यहाँ पर प्याज डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, उसे इस तरह से लंबे साइज में कट कर लिया है। और अब प्याज को अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पर फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो साथ ही यहाँ पे 4 से 5 हम लहसुन की कलियां डाल देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी प्याज है वो हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे 2 चम्मच अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम डाल देंगे जीरा पाउडर, 2 चम्मच हम यहाँ पे डाल देंगे धनिया पाउडर। और साथ ही यहाँ पर 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो दोस्तों तो यहाँ पे आप लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो। और साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे 2 टमाटर, मैंने यहाँ पे टमाटर का प्यूरी बना लिया है। यकीन मानिए दोस्तों, ये कटहल की सब्जी आपको और आपके परिवार को बहुत ही पसंद आएगी। तो हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पर हम डाल देंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे अपने कटहल और आलू को जो फ्राई करके रखा था उसे यहाँ पे अब डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अभी हम तुरंत ही पानी इसमें नहीं डालेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से हमें फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसमें बिना पानी डालकर फ्राई करना है। तो लास्ट में हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं 1 चम्मच गरम मसाला। एक से दो मिनट हो चुकी है इसे फ्राई करते हुए। तो अब हम यहाँ पे ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 ग्लास पानी डाल दे रही हूँ। आपको जितनी गाढ़ी या पतली ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से पानी को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो
तो इसमें हम पानी डालकर इसे कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। मुझे लगता है आपको इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ही लाजवाब लगती है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो चुकी है। तो मुझे ग्रेवी इसी तरह चाहिए दोस्तों, अगर आपको गाढ़ी या फिर पतली चाहिए तो आप अपने अनुसार पानी को कम ज़्यादा कर लें। तो लीजिए दोस्तों, तैयार हो चुका हमारा लाजवाब कटहल की सब्जी। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें रोटी या फिर चावल के साथ। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही लाजवाब रेसिपी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारी रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही लाजवाब रेसिपी के साथ।